नमस्कार दोस्तों, यानक्रिस्ट स्टूडियो में और एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे AES प्रोग्राम पीक पावर रेटिंग स्पीकर की क्या होती है, ये क्या है एक्चुअली। चलिए बात करते हैं क्या है, पहले दिखा देते हैं आपको। अगर JBL का आप एक बॉक्स दिखेंगे जो कि STX 825P है, JBL का कोई भी बॉक्स आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगी पावर रेटिंग, कंटिन्यूस पीक, पिंक नॉइज, प्रोग्राम पीक, 1200 वाट, 2400 वाट और 4800 वाट। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या है ये, कितने का रेटिंग है इस स्पीकर का। और देखिए बहुत बारे से भी लिखा रहता है, छोटा जो हो रहता है पिंक नॉइज 300 वाट, 600 वाट, 1200 वाट, कंटिन्यूअस, प्रोग्राम पीक। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस क्या है, प्रोग्राम क्या है, पीक क्या है, इसके बारे में पूरी चलिए बात करते हैं सारा चीज। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जरूर बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगी और आपकी कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको एक स्पीकर के बारे में और एक आइडिया आ जाएगी। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में दोस्तों, जरूर आप लोग देखिए। और कुछ लोग कई वीडियो में नहीं बना पाता हूँ और हिंदी में मैं थोड़ा कमज़ोर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे मदर टंग ओड़िया है, फिर भी आप दिल से बोलता हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बाकी आपके ऊपर है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर चलते हैं, AES प्रोग्राम पीक के ऊपर। पहले बात करते हैं AES क्या है। अब AES पावर होता है ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी। जैसे पहले हम एक बात किए थे EIA करके, हमारा एक वीडियो था जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये भी अपना स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं जो कि लाउड स्पीकर की जो भी हम पैरामीटर, जैसे कि पावर हो गया, बहुत सारे पैरामीटर को ये मेजर करते हैं, अपना मेजर करके अपना स्टैंडर्ड देते हैं। तो ये एक सोसाइटी है, जैसे हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वो एक एसोसिएशन था जो कि अपना स्टैंडर्ड दे देता कि हाँ लाउड स्पीकर की पावर इतनी होनी चाहिए। वो कैसे, उसने स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड के लिए आपको एक टेस्ट करने की जरूरत है। और इसने कैसे टेस्ट करते हैं ये लोग, तो ये 2 घंटे का एक पिंक नॉइज टेस्ट करते हैं। अब पिंक नॉइज के टेस्ट के बारे में अगर आप डीपली जाएंगे तो उनकी उसकी वेराइटी मशीन्स होती है और वो अपना टेस्ट उसको करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे और आगे दूसरा टेस्ट कैसे होते हैं और पिंक नॉइज टेस्ट, ऐसे टेस्ट करके वो स्पीकर की डायनामिक्स, फ्रीक्वेंसी रेंज और सारा चीज को वो नापते हैं। नापने के बाद अपना एक रेटिंग दे दिया और वो बोला कि हाँ AES के हिसाब से ये इतना पावर है इसका। अब AES मतलब हमारे जो ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी के हिसाब से, आप अगर AES.com करके जाएंगे तो वहां पे अपना उनका सोसाइटी भी मिलेगा, वेबसाइट है। तो वो लोग मतलब उनका एक इंजीनियरिंग ग्रुप है, सोसाइटी है, वो लोग जो कोई कंपनी अगर बोलता है कि इसका स्टैंडर्ड करो तो वो लोग अपना स्पीकर का स्टैंडर्ड वहां पे करवाते हैं। तो वो बहुत जगह पे अभी स्टैंडर्ड हो गया है, वो अपना स्टैंडर्ड दे देते हैं। कैसे स्टैंडर्ड देते हैं, जो कि पिंक नॉइज टेस्ट करके देते हैं, जो 2 घंटे का टेस्ट होता है और उसी हिसाब से वो फ्रिक्वेंसी लेते हैं और स्पीकर की डायनामिक्स देखते हैं, सारा चीज देख के वो अपना एक देते हैं कि हाँ इतना पावर इसको होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे सिस्टम में ये आती है और आप बोलेंगे कि AES पावर क्या होते हैं और RMS, बहुत बार हम जो आहूजा में दिखाते हैं आपको वो होता है RMS पावर। अब RMS और इसमें क्या डिफरेंस है, जिसमें जैसे कि हमने बात किया था EIA में और FTC और EIA मतलब RMS में क्या डिफरेंस था, इसमें वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ। और ये वीडियो में RMS जो होता है कि हमारे जो आराम से, जिसमें हमने बात किया था आराम से, मतलब वो चल सकता है बढ़िया से। अब आराम से मतलब बहुत अच्छे से वो चल सकता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली चल सकता है, नो प्रॉब्लम, आराम से चल सकता है। तो आराम से इसका क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या ज्यादा ज्यादा है या कम है, चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट, अगर आप बात करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है जो कि RMS अगर आपके पास है, सपोज आपके पास एक ड्राइवर का RMS आहूजा का 600 वाट है, एक RMS आपने ले लिया कि एक स्पीकर का 600 वाट इसकी RMS, 600 वाट RMS है। अगर उसको हम AES वाला उसको अगर टेस्ट करेगा वो स्पीकर को, वो बताएगा कि नहीं ये 800 वाट AES है। तो इसका मतलब है RMS से AES 1.34 टाइम्स ज्यादा है। तो कुछ पता चल रहा है, तो AES जो होता है आराम से, AES ये है आराम से, वो होता है कंटिन्यूअस, मतलब आराम, और मतलब ये आराम से चलेगा उससे वो भी आराम से। तो AES और RMS आसपास है, बस 1.34 टाइम्स ज्यादा है AES। तो सबसे सेफ जो है आप बोल सकते हो कि RMS है, उसके बाद AES आएगी,
क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब इससे कंटिन्यूसली चल सकता है। और आगे हम लोग बात करेंगे। अब पहले क्या होता था 80s में, जब जो भाल वाले जो आर्म्स रहते थे जनरली स्मॉल पावर के लिए, वो अमेरिकन वाट आरएमएस सिस्टम्स ज्यादा यूज करते थे और कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर उनका नहीं था, तो बहुत टाइम पे वो अमेरिका से, बहुत सारा था हमारा अमेरिका से आया हुआ है, तो वो लोग ऐसे यूज करते थे। अब अमेरिका वाला ज्यादा हम बहुत बार किए हैं कि 1 kHz पे 1% THD पे हमने बात किया था कि हाँ ये अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें 1 kHz वो फ्रिक्वेंसी रेंज पे लेके टेस्ट करते थे, जो कि हमने वीडियो नीचे दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। और AES टेस्ट फॉर 8 hours गिव ऑल द हायर नंबर्स, तो इससे अगर कोई करे आप करेंगे तो जरूर हायर नंबर्स आएंगे। बहुत सारे रेटिंग्स है जैसे कि IEEE, IEEE, मतलब ये सब स्टैंडर्ड्स रेटिंग्स है। तो ब्रिटिश वाले कंटिन्यूस आरएमएस पे बात करते थे, जैसे कि कैसे वो चलेगा, आपकी एम्पलीफायर हो या चाहे आपके स्पीकर हो, कंटिन्यूस आरएमएस में कैसे चलेगा। अब चलिए ये वाला तो हमने दिखाया था आपको, तो जैसे कि अभी थोड़ा बहुत अभी बात करेंगे कि कंटिन्यूस पिंग नॉइज, तो आपको पता चल गया कंटिन्यूस पिंग नॉइज मतलब आपका AES है, मतलब 1200 वाट में वो कंटिन्यूसली चल सकता है, नो प्रॉब्लम है ना। तो आरएमएस होगा अगर होगा 1200 का तो और थोड़ा कम हो जाएगा, 800 या 900 होगा। अगर आरएमएस होता स्पीकर का तो 800 या 900 लिखा रहता, और ये 1200 है। अब प्रोग्राम और पीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए पावर हैंडलिंग, जैसे कि हम बोलते हैं जो कि AES पिंग नॉइज, हम कंटिन्यूस एवरेज पावर होता है कि जो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम टोटल हार्मोन डिस्टोर्शन के बाद जो टाइम पे जितना रहता है, उसको तो छोड़ दीजिए। अब पावर हैंडलिंग ऑफ लाउड स्पीकर, कितना पावर हैंडल कर सकता, जो रिकमेंडेड पावर AES जो होता है या RMS होता है वो आपका रिकमेंडेड पावर होता है, उतने में आप चलाएंगे तो नो प्रॉब्लम होगा, ये आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आराम से। शॉर्ट टर्म पिक पावर ये है AES, और थोड़ा टाइम के लिए पिक पावर है तो आपको आराम संभाल सकता है। अब प्रोग्राम पावर जो होता है वो होता है म्यूजिक पावर, जो कि आपकी कंटिन्यूस एवरेज पावर से 2 गुना ज्यादा होता है, इसलिए आप देख सकते हैं ये आपकी नॉर्मल से 1200 ये 2400 दो गुना है, और 2400 का 2 गुना 4800 होता है। और पीक पावर ऑफ द आर्म जो होता है 1 to 3 dB अबव द कंटिन्यूस एवरेज पावर, ज्यादा हमको पीक पावर जो लाउडस्पीकर होता है जो कि मैक्सिमम शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो उतना संभाल सकता है, बहुत एक झटका आया 3000 तक ये, मतलब ये स्पीकर आपको 1200 में आराम से चलेगी, कंटिन्यूसली चलेगी कोई प्रॉब्लम, 2400 में ये चलेगी लेकिन कंटिन्यूस नहीं, इंटरमीडिएटली चलेगी, और 4800 के लिए मतलब फटक से गया और फटक से चलाया मतलब चलेगा, वरना ये जल जाएगा। तो पीक, इसीलिए इसको पीक है, पीक के आगे और कुछ नहीं है, गया काम से, मतलब शॉर्ट टर्म पीक है ये, वरना चलेगा नहीं, तो ये आप ध्यान पे रखिए। और ये सारा चीज है आप देख सकते हैं, ये था पूरा वीडियो, और हो सकता है कि आपको पता चल गया होगा कि AES RMS AES, उसके बाद आपकी प्रोग्राम पावर क्या होता है, AES का डबल पावर होता है प्रोग्राम पावर, कंटिन्यूस पिंक नॉइज जो होती है, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे पिंक नॉइज यूज करके उसका टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको AES वाला जो कि लोग ने उसका स्टैंडर्ड निकाला है कि हाँ इतना इन्होंने टेस्ट किया पिंक नॉइज लेके 2 घंटा और 1200 वाट इसका, इसको देख के उसका फ्रिक्वेंसी उस डायनामिक सब लेके चेक किया और उतना बोले कि नहीं ये 1200 वाट का कंटिन्यूसली चल सकता है, उन्होंने टेस्ट किया इसको, और 2400 इसका प्रोग्राम बोल दिया क्योंकि इसके डबल आ जाएगा आपके एवरेज से, एवरेज है 1200 डबल मतलब 2400। अब 4800 क्यों है, अब पिंक पिक जो जगह एक बार गया, अब तुरंत अगर आ गया तो आ गया, वरना ज्यादा टाइम अगर चल गया मतलब शॉर्ट टर्म से ज्यादा हो गया तो ये चला जाएगा, जल जाएगा ये स्पीकर। तो हमेशा आप याद रखिए AES पावर में चलाइए या RMS पावर में चलाइए, RMS AES में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.3 टाइम्स ज्यादा है RMS से AES, तो आराम से मतलब RMS है, आराम से चलाइए और खुश रहिए और आपकी सिस्टम को बचाइए। और ऐसे ही बोलते हैं कि इस वीडियो में आज का जो कोड है वो है 8888। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो जरूर 88 टाइप करें और अपना कमेंट्स दीजिए, और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार बता दूं कि 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी में जा रहा हूं, तो अभी 2-3 दिन के लिए वीडियो कुछ नहीं आएगा, इसलिए और जिन लोगों का वीडियो मैं नहीं बना पाया तो आते ही बना लूंगा। तो इस वीडियो के साथ विदा दीजिए, और 2-3 दिन के लिए कुछ वीडियो हो सकता है कि नहीं आ पाए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने के लिए, लेकिन छुट्टी में जा रहा हूं पर्सनल प्रॉब्लम है। तो जो दोस्त लास्ट तक देख रहे हैं वो समझ गए होंगे,
तो प्लीज़